डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, महान शिक्षक थे। मैसूर में जब वो वहाँ पढ़ा रहे थे, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रति इतना कुछ प्रेम और ज्ञान और प्रेरणा उन्होंने भरी कि विद्यार्थी भी उनको बहुत प्यार करते थे। हर एक को ये लगता था कि कोर्स पूरा कराने के लिए तो सब शिक्षक तैयार रहते हैं, पर हमारे अंदर जो भरा है उसे जगाने वाला कोई कोई होता है कि हम क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक दिन कहा, बच्चों आज मेरे लिए पत्र आ गया है और मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। कोई तैयार नहीं हुआ, सबने मना कर दिया, जाने नहीं देंगे। जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो आंसुओं के साथ हजारों बच्चे तैयार हुए। सामान उनका उठाकर तांगे में रखा गया। चार घोड़ों का कि एक बग्गी मंगाई गई, उसमें सामान रखा जा रहा है। आंख में आंसू लेकर के विद्यार्थी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन उस बग्गी में बैठ गए, बच्चों ने वो घोड़े हटा दिए और रस्सी बांधकर हजारों बच्चे अपने कंधों पर रस्से लेकर के खींचते हुए उन्हें स्टेशन तक लेकर गए। पूरा शहर उमड़ा हुआ, कौन है ये, किसको लेकर जा रहे हैं? तो बच्चे कहते हैं, हमारा गुरु है जिसने जीना भी सिखाया और सिर ऊंचा करना सिखाया। इनके घोड़े हम ही हैं, इनको जानवर नहीं खींच सकता। जानवर तो हम थे, अब इन्होंने जानवर से इंसान बना दिया, इसलिए जानवर खींच कर नहीं ले जाए। ये जो श्रद्धा है ये आपको ऊंचा उठाती है। इस अगाध श्रद्धा से आपके जीवन में वो चीज आती है जो आपके अंदर छिपा पड़ा है, उसे अगर बाहर लाना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा को जागृत करना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हर बार हम लोग इसलिए मात खा जाते हैं कि जब भी कोई जागृत गुरु आता है वो पुराने भेष में नहीं आता। हम पुराने भेष को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, अब जब वो चला जाता है फिर उसकी नकल होती है। इसलिए जो कुछ भी इस धरती पर ऐसे चेतना पुरुष आते रहे, बाद में उनके भेष की नकल होती रही, उन जैसी पगड़ी पहन ली, उन जैसा भेष बना लिया, सोचा हम वैसे हो गए, हमारा वेश बदले बदले ना बदले, हमारा परिवेश बदले ना बदले, लेकिन हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर में बदलाव आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सद्गुरु इसी के लिए प्रयास करते हैं। दुखद बात ये रही है कि हर बार महान पुरुष जो भी आए उनको पहचाना नहीं गया। जब कृष्ण आए तो कृष्ण को नहीं पहचाना गया, वो हमारे 16 कला पूर्ण स्वरूप जो है कृष्ण का है, लेकिन कहाँ पहचान पाए लोग। गुरु नानक देव को भी लोगों ने नहीं पहचाना, बुद्ध को नहीं पहचाना, महावीर स्वामी को नहीं पहचाना, अपमान करते रहे लोग। महाराष्ट्र में एक स्थान है शेगांव, वहां एक बड़े ही अद्भुत हस्ती गजानन महाराज रहे। अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, अपनी मस्ती में वो बैठे होते थे, उनको अपनी होश नहीं होती थी। बाद में तो उनके वस्त्र भी गायब हो गए, वस्त्र भी नहीं पहनते थे, कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। जिन लोगों ने उनकी महिमा को समझा वो बहुत थोड़े थे, कम लोगों ने समझा। ज्यादातर लोग तो कहते थे ऐसे कोई नंगा बाबा बैठा हुआ है। जब वो नहीं रहे तो लोग इकट्ठे हुए,
लोगों ने अपने अपने अनुभव बताने शुरू किए, उनकी कृपा से हमारा ये काम बना। किसी ने कहा मन इतना अशांत रहता था, एक बार सिर पे हाथ रखा उसके बाद मन में शांति आ गई। किसी ने बताया कि मेरी तो बीमारी ऐसी थी दूर नहीं हो सकती थी, बस कृपा से ही सब कुछ काम बने। सैकड़ों ने अपने अपने उदाहरण बताने शुरू किए, लोगों को समझ में आया इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी महान आत्मा यहाँ थी। उसके बाद उन्होंने उनकी समाधि बनाई, तीर्थ बन गया, और उस निर्जन स्थान में लोगों ने तालाब बना दिया खोदकर, उसका नाम रख दिया आनंद सागर। वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए जो बच्चे आ रहे उनके लिए कॉलेज, दुनिया भर के कॉलेज बन गए, दुनिया भर की चीजें बन गई, लाखों लोग आने शुरू हो गए। लेकिन हुआ ये कि हम उनके अस्थियों को पूज रहे हैं, मृत शरीर को तो पूज रहे हैं, लेकिन जब तक जीवित थे भूल गए, पता ही नहीं लग पाया। क्योंकि हर बार हम यही सोचते रहे ऐसे रूप में ऐसे भेष में आएगा तो वो होगा, और वैसे भेष में नकली लोग आते चले गए, असली नहीं आए। इसलिए गुरु को जब पहचान लें, राजा जनक के पास यही एक बुद्धि थी। राजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए ज्ञानी ध्यानी लोगों की चर्चा सुन रहे थे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हो रही थी, शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र के पिता को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया, छोटा सा बच्चा 12-14 वर्ष का, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा लुढ़कता हुआ आया। जैसे वो दरबार में पहुंचा तो उसे देख के सब लोग जोर से हंसे, समझ नहीं आ रहा था इंसान है या क्या है, लुढ़कता हुआ आ रहा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। जब सब लोग हंसे तो ये बच्चा भी जोर से हंसा। सब दरबारी पूछने लगे आप क्यों हंसे, तो इन्होंने कहा पहले आप बताइए आप क्यों हंसे। बोले आपके तन को देखकर। तो इन्होंने कहा मैं भी तो यही देखकर हंसा हूं कि मैंने सोचा था कि इस दरबार में ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं, लेकिन आज समझ में आया कि यहाँ तो हड्डी चमड़ी परखने वाले ऐसे ही लोग हैं जिनको सिर्फ इतनी ही जानकारी, हड्डी को समझा जाए चमड़ी को समझा जाए, इसके अंदर बसी हुई आत्मा को ये लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब सब सन्न। राजा जनक खड़े हो गए, उन्होंने कहा क्या बोलते हो बालक, तुम्हें होश होनी चाहिए, सुनना था। तन के खड़ा हो गया अष्टावक्र। उसने कहा राजन नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जल तो टेढ़ा नहीं होता, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, रस टेढ़ा नहीं होता, किसी का शरीर टेढ़ा हो सकता है, ज्ञान कभी टेढ़ा नहीं होता। टेढ़े मेढ़े शरीर पर हंस रहे हैं ये लोग, और 2-4 बातें और कही। राजा जनक ने अपनी पत्नी को आवाज दी कि आओ, जिसे हम ढूंढते थे ना वो आज मिल गया है, हमारी आत्मा को झंकृत करने वाला सदगुरु द्वार पर आ गया है, आज इनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले। राजा जनक ने दीक्षा ली, उन्हें अपने पास रखा और पूछा कि एक बात तो बताओ, ये भगवान की तरफ चलने के लिए कितनी देर लगेगी, उनसे जुड़ने के लिए कितनी देर लगेगी, अंदर का अंधेरा मिटने में कितनी देर लगेगी। अष्टावक्र कहते हैं किसी गुफा में 1000 सालों का अंधेरा बंद हो तो ये नहीं कहना होता कि ये 1000 साल पुराना अंधेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो 1000 साल पुराना है। एक दिया जलाओ, एक झटके में अंधेरा दूर होगा।
तुम अपने आप को जगाओ, बात एकदम बनेगी। बस इतना ही करना है कि अपनी मैं और अपने अहंकार को, अपने रुतबे को भूल जाओ, सच्चे अच्छे इंसान बनकर कि मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, यहां ध्यान लाओ और उसके आनंद में टिकने की चेष्टा करो और देखो कि सर्वत्र वही है, खिलते हुए फूलों में, बहती हुई हवा में, सरसराते हुए पत्तों के बीच से गुजरती हुई हवा और चहचहाते हुए माधुर्य को व्यक्त करते हुए कलरव के रूप में वो पंछी, और स्वर्णिम किरणों को बिखेरते हुए ये चांद, सूरज की जो किरणें धरती पर आ रही है, सब में प्रकाश जिसका है, मनुष्य की आंखों में ज्योति जिसने दी है और हृदय में धड़कन जिसने प्रदान की है, जो श्वासों की सरगम को चला रहा है, सबके भाग्यों की रचना करता है, जीवन देता है और आखिर में अपने में समेट लेता है, उसकी लीला चारों तरफ है, उसमें अपना मन टिकाकर शांत होने की चेष्टा करो। बस उसी बात को लेकर जनक निकले। वैसा सोचते सोचते उन्होंने सोचा जंगल की तरफ चलते हैं, तो अपने घोड़े के रकाब में पांव रखा और ऊपर बैठने वाले थे। ध्यान तू ही तू ही तू ही तू ही तू 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 ऐसे कहते कहते खो गए। अब घोड़े को संभालने वालों ने घोड़े को पकड़ के रखा, रक्षक सामने खड़े हुए हैं, मंत्री साथ में, सबने कहा हिलने मत देना, किसी अलग मुद्रा में है आज ये। उसी तरह से खड़े रह गए राजा। घंटों तक उनका ध्यान ऐसे ही घोड़े पर के रकाब पे पांव रखे रखे वहीं लग गया। उतराए नीचे, एक चट्टान पर बैठ गए। गुरु को पता लगा, गुरु पास आए, उन्होंने प्यार से उनके ब्रह्मरंध्र को सहलाया, हिलाया, जागे, आंखें खुली, आंख में आंसू, जनक पूछ रहे हैं ये मैंने क्या पाया आज, मेरी तो दुनिया बदल गई। इस दुनिया में जो कुछ नहीं है वो आज आपने मुझे दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि घोड़े के रकाब पर पांव रखते रखते भी ध्यान लग जाए। तो सदगुरु ने कहा तुम क्या कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि तुम अपनी मैं को गलाकर उसके हो जाओ, जो भी कर रहे हो उसी में अपने मन को वहां टिका दो, घटना घटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हमें उस और जाने की चेष्टा करनी चाहिए जिसे पाने के लिए इस दुनिया में हम जगह जगह खोज रहे हैं, जो शांति, जो चैन, जो आनंद, जो सच्चा प्रेम, जो सच्चा रिश्ता खोज रहे हैं, वो प्राप्त हो सकता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा गुरु के अनुसार चलने की आवश्यकता है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल जहां रुके थे गीता का ये अध्याय, जिसमें दूसरे अध्याय के ये श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूं, 18 श्लोक हैं, पूरी गीता का अद्भुत ज्ञान इसमें है। और कुछ चिंतक तो यहां तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के ये 18 श्लोक जो कहे हैं, गीता तो यहां है, उसके बाद तो कृष्ण भगवान के उपदेश अलग अलग समय के हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानकर ये कहें कि भगवान ने पूर्ण गीता अर्जुन के माध्यम से उस समय दी। तो अर्जुन ने ये पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत,
किमासीत ब्रजेत किम। समाधि में स्थित जिसकी प्रज्ञा हो गई है, ऐसे पुरुष के लक्षण मैं जानना चाहता हूं। कृष्ण आप मुझे बताओ कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, डामाडोल नहीं है, अडोल चेतना वाला जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्तित्व का उठना बैठना कैसा होता है, बोलता कैसे, चलता कैसे, व्यवहार कैसे करता है। कौन है जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, कौन है जिसकी चेतना अकंप है, ज्ञान ज्योति जिसकी अडोल है, वह ऐसा स्थित प्रज्ञ चेतना पुरुष, समाधि जिसके जीवन में खिल गई है, वो किस तरह से उठता बैठता है, कैसे चलता फिरता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि ये पूछना चाहता है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे युद्ध भी करना पड़ेगा, और अगर मेरी ये ड्यूटी है, फर्ज है, वो मुझे निभाना है और अपने ध्यान में भी जाना है, तो कर्म तो नहीं छोड़ना, युद्ध तो नहीं छोड़ना, व्यवहार तो नहीं बदलना, पर अंदर बदलाव क्या होता है वो मुझे आप बताइए। क्योंकि भगवान ने ये कहा कि बस कर्म करो तुम, इससे पहले जो उपदेश दिया था भगवान ने वो ये कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, फल की इच्छा का कदापि नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि, मतलब मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम्हारा कर्म फल पर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वहां ध्यान तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट किसी और के हाथ में है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में एक शाम सुख शांति का जीवन पथ। सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए, तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है। 18 मार्च 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा, समय सायं 5:30 से 8:30 बजे, सत्संग स्थल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन दक्षिणी दिल्ली मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग ले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है